किसकी है? मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए ये, इसको फेंक के आ कहीं भी, मुझे नहीं पता। प्लीज राहुल ऐसे मत करो, प्लीज। तू नहीं मानेगी, तेरे को सुनाई फेंक कैसे? प्लीज मुझे उसको, प्लीज ऐसे मत करो, मैं घर ले चलो अपने साथ, वो छोटी बच्ची है, ये साथ में रहेगी। ये साथ में नहीं जाएगी, नहीं गई आज, जरा लगा के दिखा। तू हटा ऐसे, और तू तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सारे ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है धीरज सिंह और आज मैं मैडम की हेल्पिंग वीडियो लेके आया हूँ। भाई इन मैडम की दिक्कत बहुत बड़ी लगी, इन मैडम ने मेरे को फेसबुक में मैसेज करा था 2-3 बार, तो भाई रिप्लाई मैं कर नहीं पा रहा था। तो जब मैंने इन मैडम की परेशानी समझी, भाई इन्होंने पूरी मेरे को लिख के भेजा कि इनके साथ ये दिक्कत है, तो भाई बहुत ही बड़ी दिक्कत लगी यार मेरे को कि ऐसा कोई कर सकता भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि ये पहली वीडियो है जो मैं ये वाली शूट कर रहा हूँ भाई। तो इन मैडम की दिक्कत है, इनके पति ने इनकी बेटी और इनको घर से बाहर निकाल रखा है, और क्या कि ये कारण क्या है ये मैडम खुद बताएगी अपने मुँह से। तो मैडम जो ये कारण है ना बाहर निकालने का, तो एक बार अपने मुँह से आप खुद बताओ कि किस लिए आपके पति ने आपको बाहर निकाल रखा है, तो आप एक बार बता दो। मेरा नाम निधि है, मेरी शादी को 10 साल हो गए और मेरी बेटी 9 साल की है। जब ये हुई थी शादी के 1 साल बाद ये हो गई थी, तो मेरे सास ससुर को मेरे पति को ये पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, तो उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया 1 साल बाद। 1 साल बाद आपको घर से बाहर निकाल दिया? हाँ, इसके होने के 1 साल बाद घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाती हूँ, उस टाइम मेरी बच्ची भी छोटी थी, तो मैं उस टाइम तो अपने मम्मी पापा के घर चली गई थी, लेकिन अब वहाँ 3-4 साल हम लोग रहे, लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी भी बोलने लगी कि अपने पति के घर जाओ, ऐसे नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ऐसा तो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, घर में अपने घर जाओ, अपने पति के घर रहना चाहिए। तो वहाँ से भी उन्होंने हमें बोला जाने के लिए, तो फिर मैं इसको लेके वहाँ से निकल गई और मैंने अपना एक किराए पे मकान ले लिया। अब मैं जॉब करती हूँ, रख रही हूँ उसको अपने साथ, मेरे साथ रहती है मेरी बेटी, खर्चा भी उठा रही हूँ खाने पीने का, स्कूल वगैरह का, लेकिन इतना मैं नहीं कर सकती। अब मुझसे नहीं होता, मैं अपने पति को बोला, फ़ोन पर बात होती है उनसे, उनको बोला कि हमें ले जाओ हमारे घर, लेकिन वो एग्री नहीं होते ले जाने के लिए, हमेशा ही बोलते कि उसको कहीं भी छोड़ के, मैं कुछ नहीं जानता, अपने अनाथ आश्रम में छोड़ो, कहीं भी छोड़ो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, उस बच्ची को नहीं लेके आऊँगा। अच्छा, वो तुम्हें ले जाने के लिए राजी है? हाँ, लेकिन पर ये लड़की को ले जाने के लिए, मेरी बच्ची है, मैं इसे कहाँ छोड़ूंगी? नहीं, ये तो है जी, क्योंकि अगर कोई पति अब है तो उन्हीं के, तो एक काम करो आप ना टेंशन मत लो जी, ठीक है, मेरे से जितना होगा ना मैं उतना करूँगा, ठीक है, आप टेंशन मत लेना। एक बार ना अपने पति को जैसे तैसे करके फ़ोन करके यहाँ बुलाना, उसके बाद जितना हो सके मैं उतना करूँगा, क्योंकि बेटी के चक्कर में आपको वो कर रखा है कि बेटी है, अगर लड़का चाहिए था, अगर लड़का होता तो आराम से रखते, और अभी लड़का चाहिए था, लड़की हो गई, तो इसलिए हमें घर से बाहर निकाल दिया, और बुलाना भी नहीं चाहते, और बस ये कहते हैं कि लड़की छोड़ा तो लड़की को कहीं भी छोड़ दे, अनाथ आश्रम में छोड़ो, अपने बहन के घर छोड़ो, अपनी माँ के घर छोड़ो, कहीं भी छोड़ो, लेकिन घर में नहीं आएगी। तो आप एक काम करो, आप ना उनको फ़ोन करके बुलाओ, ठीक है, और भाई जब तक के लिए कैमरा ना साइड कर दो। और फ्यू मिनट्स लेटर, ये क्या है, ये फिर आ गई, तुमने तो बोला था कि मैं अकेली हूँ। राहुल मेरी बात तो सुनो, क्या कहाँ रहेगी यार, कुछ समझने की मुझे नहीं तो पता कहाँ रहेगी, इसे कूड़े फेंक के जहाँ मर्जी फेंक के, मुझे नहीं पता, मैं तुझे मना किया था ना यार, मम्मी ने साथ में नहीं रहेगी। प्लीज यार मेरी बात सुनो, मम्मी ने भी घर से निकाल दिया, ये कहाँ पे रहेगी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता यार, मैं ऐसे नहीं रह सकता, हमें घर ले चलो प्लीज यार, प्लीज राहुल देखना ऐसे मत करो प्लीज, समझ में नहीं आता, वो बच्ची तो हमारी तो है, किसकी है? मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए ये, इसको फेंक के आ कहीं भी, मुझे नहीं पता। प्लीज राहुल ऐसे मत करो प्लीज, तू नहीं मानेगी, तेरे को सुनाई मैं तुम्हारा हाथ छोड़ती हूँ, फेंक कैसे? प्लीज छोड़ दो उसको, प्लीज ऐसे मत करो, मैं घर ले चलो अपने साथ, वो छोटी बच्ची है, ये साथ में रहेगी। ये साथ में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, अगर तुझे मेरे साथ चलना हो तो उसे फेंकना पड़ेगा, ये चाहे कहीं फेंक, मुझे इससे मतलब नहीं है। ऐसे मत करो राहुल प्लीज, देखो देखो वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, समझ में नहीं आता, तुझे समझ में नहीं आता, एक बार में छोड़ो मुझे, तो समझ में नहीं आता, तुझे छोड़ दो उसको, छोड़ से चाहिए, वो बच्ची है छोटी, कहाँ रहेगी वो अकेले, मुझे नहीं पता कहाँ रहेगी, मैं इसको नहीं जानता। मैं तुझे कई बार समझा चुका हूँ कि अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो इसे छोड़ना पड़ेगा, और इसे छोड़ना ही पड़ेगा अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो, मैं ऐसे बिल्कुल हरगिज भी कहीं लेके नहीं जाऊंगा। देखो तुमने शादी करी थी तब बोला था ना हमेशा साथ निभाओगे, मेरा हाथ छोड़ वरना बहुत तेज मारूंगा थप्पड़ देर खिंचा कर मुंह पे, अरे वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, नहीं रखना अपने साथ,
मुझे इसे अपने साथ नहीं रखना। ये हमारी बच्ची, किसी और की बच्ची थोड़ी ना है। मेरी कोई बच्ची नहीं है, मेरी कोई बच्ची नहीं है, इसे हटा यहाँ से। और तू मेरी बात सुन, रुक रुक, क्या कर रहा है ये? कौन है कर रहा है ये? तू कौन है? कौन हूँ मैं? तू कौन है? ये क्या कर रहा है ये? ये मेरा फैमिली मैटर है, तू कौन है? फैमिली मैटर है ये, क्या कर रहा है तू बच्ची के साथ? वो मेरी बीबी, मैं कुछ भी करूँ, तू कौन है? मैं इसका भाई हूँ, बता लगा हाथ एक बार। मैं तो देखा तू आज तक इसका भाई नहीं देखा ना, आज ही बना हूँ। तू लगा इसके हाथ, हाथ लगा, देख नहीं रहा। और ये तेरी बीबी क्या हरकत कर रही है? लगाइए आज जरा एक बार। मैंने उसको मना कर रखा है, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, फिर ये लड़की साथ लड़की लेके क्यों घूम रही है? तू जिससे जामा वो अभी तो लड़की होगी, वो अगर ऐसे करता तू पैदा हो जाते यहाँ पे। ये मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, मैं तो बोल रखा है। और तू इसे क्या, ये कौन है ये? मैं तो आज तक नहीं देखा इसे। तू हाथ लगा, हाथ लगा, जरा हाथ एक बार लगा। तुझे मेरे साथ एक रहना है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तू किसी को भी बुला ले, मुझे सब रखनी पड़ता। लगाइयो आज जरा, लगा के दिखा। तू हटा ऐसे, और तू तू मेरी बात सुन। चमन नहीं आ रही तेरे, चमन नहीं आ रही, क्या कर रहा है? चमन नहीं आ रही तेरे, तू है कौन? तू हमारे बीच मत ना भाई, क्या कर रहा है ये तू? अरे तेरी साले, तेरी माँ भी तो लड़की है, तेरी माँ को मार देता अगर वो पैदा होती, तू पैदा हो जाता यहाँ पे है? मुझे लड़की नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए लड़की, ये बता दे मेरे को, क्या रीजन है लड़की नहीं? भाई मुझे लड़की नहीं चाहिए। क्यों? अगर तेरी माँ भी तो एक लड़की थी। अरे ये तो समझ ले तू धरती पर, तेरी बिना माँ के। मुझे मेरी फैमिली को लड़की नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर इससे बोल दे, अगर इसे मेरे साथ आना है तो इसे छोड़ के आना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता, मेरी बात सुनिए, देख मैं क्या बता रहा हूँ। तेरी माँ एक लड़की थी, अगर सब बोले मेरे को लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, भाई साहब कहाँ से आ जाओगे दुनिया में फिर तुम? अरे वो मैं, सब कोई लड़का चाहिए तो वो मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस ये लड़की नहीं चाहिए, बस इसको नहीं चाहिए। अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, उसकी शक्ल देख। मैं ऐसे बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगा। तू हट यहाँ से, तू हट यहाँ से, हाथ हटा दे, हाथ हटा दे, समझ नहीं आ रही तेरे? हाथ हटा दे, हाथ मत लगा। तू नीचे मत आ भाई, तू क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? नीचे मत आ, मेरे से कह दे तू नीचे मत। नहीं क्या करेगा बताना, क्या करेगा? समझ नहीं आता किसी को, क्या करेगा समझ नहीं आता तेरे को? क्या मारेगा? मार, ये मार, चला जा यहाँ से, चला जा इधर। ये मेरा फैमिली बैठा, तू पीछे मत आ। तेरा फैमिली बैठ रहा है पर तेरे को लड़की घर लेके जानी पड़ेगी। मैं लड़की घर लेके नहीं जाऊंगा, किसी हाल में लेके नहीं जाऊंगा। लेके जाएगा उसको, मैं ऐसे ही गाड़ दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा, जिंदा गाड़ देगा, गाड़ इसका साथ जिंदा गाड़ दूंगा। गाड़ जा तू यहां से। मैं भी हूं, मैं भी देखता हूं कैसे गाड़ेगा तू इसे। तू हट रहा नहीं, हट रहा यहां से नहीं, हट रहा तेरी मां छोड़े तेरी, तू पैदा हो जाता है, पैदा हो जाता तू है, कैसी हरकत कर रहा है ये जो? तेरी माँ अगर करती तू पैदा हो जाता धरती पे, सारे हाथ तेरे को बेटी नहीं चाहिए, ये बता तेरे को छोरा चाहिए, छोरा दिलाऊं मैं? अरे मेरी बात सुन ले, मैं क्या बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ प्यार से, लेके जाना पड़ेगा ना तो मैं ढंग से समझा दूँ। और मैं ऐसे लेके नहीं जाऊंगा, तो मैंने समझा दिया। क्या दिक्कत है तेरे को यार, लड़की तो है, खुश नसीब माँ लक्ष्मी घर में पैदा हुई है तेरे, तू इसे क्यों वो समझ रहा है? लड़की मुझे ये पसंद नहीं है, लोगों को संतान नसीब नहीं होती, तेरे को संतान तो ये कम से कम। और ये नहीं देख रहा लड़की, लड़की लक्ष्मी का रूप होती है, और ये कैसी हरकत कर रहा है तू इसके साथ? और घर से बाहर निकाल रखा था कितने सालों से तूने, और लड़की वो बोल रहा तू छोड़ के तब जाके तू उसको लेके आ रहे हैं? अपना हिमायती बना के लाई है, मतलब तू सारी बात से बता के आई है, हिमायती बना के लाई है तू इसे? हमें अपने घर ले चलो बस, और कुछ नहीं। अरे मुझे मेरी बात सुन बेटा, रहना ना आपको पापा के साथ, देख ले क्या कह रही है वो। लेकिन मुझे नहीं रखना इसे अपने साथ। इसका चेहरा देख ले, तेरी बेटी है, तेरा खून है, रहना है ना बेटा तुम्हें? हाँ। तेरी बेटी भी हाँ कर रही है, तू क्यों नहीं समझ रहा? मेरी बात सुन, तू लगाई हो एक बार फेंक, बेटी को फेंक कूड़े में जा, फेंक। मैं फेंक ही दूंगा। समझ नहीं आ रही, फेंकेगा के पीछे कैमरा लगा, कैमरा तेरे ऐसे की हरकत रिकॉर्ड हो रही है सारी। तूने कैमरा लगवाया? तुम्हें तूने मुझे फंसाने के लिए कैमरा लगाया यहाँ पर? मैं अपने घर ले चलो बस, फिर हाथ लगा रहा है, घर ले चलो प्लीज, हमें अपने साथ घर ले चलो। बोल ये लेके जाऊ साले, जिंदगी भर घर पे रहेगा नहीं, जिंदगी भर जेल में रहेगा, और कोर्ट में लेके जाऊ वीडियो ये दिखाऊ, और सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है जितनी देर। तू पहले वीडियो डिलीट कर भाई, वीडियो वीडियो डिलीट कर, वीडियो डिलीट कर, वीडियो डिलीट नहीं होगी, वीडियो वीडियो डिलीट कर दे, मैंने लेके जा रहा हूँ, तू वीडियो डिलीट कर दे भाई। क्या क्या मतलब, क्या सबूत है तू घर लेके जाएगा ये बता है? मैंने लेके जा रहा हूँ भाई, तेरी वीडियो डिलीट कर दे भाई। मैं तेरे कैमरे देखती, तेरी औकात निकल गई है, ये बता। चल ठीक है भाई, मैं एक बात बता, इनके चेहरे नहीं, तेरे को शर्म नहीं आ रही तेरी सी? कर ले चलो अपने साथ, नहीं तेरे को यार एक बात बता, लोगों के घर में संतान नहीं होती, ये तेरे घर में लड़की पैदा हुई है और लक्ष्मी का रूप है, तू पैसों के चक्कर में नहीं लेके जा रहा ना कि पालना पड़ेगा, शादी करानी पड़ेगी,
ऐसा मत अटक कर भाई, अगर जब तेरी मम्मी के साथ ऐसा किया होता ना, तू धरती पे नहीं होता, समझ रहा क्या कह रहा हूँ मैं भाई? गलती सुन ले मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, गलती हो गई, मैं ऐसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई? और गलती अगर हो गलती होगी, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आज के बाद मैडम करा कुछ इन्होंने, मैं सही बता रहा हूँ, ये देख ले और मैं लेके जाऊँ थाने में, जिंदगी भर देख, मैं सच बता रहा हूँ, जेल में रहने से बढ़िया बेटी के साथ और बीबी के साथ रह लेंगे, बहुत बढ़िया है, नहीं तो तेरे को जेल का सुख नहीं पता, सुख अगर दिखा दिया ना भाई, मैंने भाई ये वीडियो डिलीट कर देना, 4-5 साल के लिए सुखी सुख में रहेगा वहाँ जेल में, भाई भाई वीडियो डिलीट कर देना, मैंने लेके जा रहा हूँ वीडियो, देख वीडियो तो डिलीट नहीं होगी, वीडियो तो डालूंगा, अगर तूने कुछ हरकत करी तो ये वीडियो ना फिर अच्छा, मैं वीडियो फिर डालूंगा नहीं, मैं सीधा लेके जाऊंगा थाने में या कोर्ट में, अच्छा ठीक है, मैं तेरी ऐसी तैसी, अच्छा ठीक है भाई, मैं आज कभी कुछ ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों को अपनी बीबी को लेके जा रहा हूँ भाई, ठीक है मैडम, अगर आज के बाद गलती करे ठीक है, आप मेरे को बता देना, आप टेंशन मत लेना, मैं नहीं तो फिर मैं सही से, और मैं सही बता रहा हूँ, अभी तो वीडियो सिर्फ डलेगी ठीक है, और ना तो अगर तूने हरकत कर दी ना, ये सीधा फिर मैं पेश कर, नहीं कोई हरकत नहीं करूंगा, जिंदगी भर के लिए पछताएगा, कोई हरकत नहीं होगी भाई, गलती होगी मुझसे, मैं अपने बच्चों को लेकर मैडम माइक दे दो आप, कोई समझा रहा हूँ तेरे को, और समझ जा और सुन ले, कभी सोच ये माइक लगा है और सारी बात रिकॉर्ड भी हुई है, ठीक है, समझ गया, ठीक है भाई, गलती होगी मुझसे, गलती होगी और मेरी बात सुन ले, तुम तेरे घर में भी यार तेरी बिना मम्मी के तू आ जाता धरती पे नहीं आता ना, नहीं बस ले जा, ठीक है, और निकल जा बस यहाँ से, और अगर कहीं कुछ करे ना फोन कर देना मेरे को, तो यार भाई वीडियो चाहे अच्छी लगी हो चाहे ना लगी हो वो सारी बात हटाना, बस कमेंट करके ये बताना कि ये जो हरकत बंदे करते हैं ये सही है कि गलत है, गलत है ना भाई, और फिर भी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो मैसेज के तौर पर इतना शेयर करना भाई कि जो ऐसी हरकत करता है उसको कम से कम ये पता लग जाए ये गलत है और गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई लड़की होना कोई पाप नहीं होता, बिना लड़की के तो कोई बंदा पैदा नहीं हो सकता, अब वो सभी ये बोलने की लड़का चाहिए लड़का चाहिए, बिना लड़की कौन आ जाएगा धरती में फिर, तो भाई ऐसा भेदभाव मत करो, लड़का नहीं है तो लड़की, लड़की भी लक्ष्मी का रूप होती है, उसके साथ भी ऐसा अन्याय मत करो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भाई हाँ लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब भी कर दो भाई चैनल को, यार तुम वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, और ये मेरी इंस्टा आईडी शो भी है, किसी को अगर कुछ मैसेज करना है बातचीत करनी है तो मेरे को मैसेज कर सकता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।